लोक जनशक्ती पार्टीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची पुण्यात बैठक पार पडली आहे. यावेळी येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत NDA सोबत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. आज खास जो बैठक है वो इसलिए है कि हमारी पार्टी का जो रिजल्ट आया है 100% स्ट्राइकेड तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है और महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि जैसे ही पार्लियामेंट का ये जो सत्र है बजट सत्र ये ख़त्म होगा तो इसके बाद में इमीडिएटली हम लोग एक हमारे तमाम जीते हुए जो सांसद हैं ये लोगों का एक सत्कार समारोह रखना चाहते हैं जिसमें महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता हर एक ज़िले के यहाँ पर पुणे में मौजूद रहेंगे और अगले एक दो रोज़ के अंदर जाकर के हम लोग इसके डेट भी फाइनल कर लेंगे. होपफुली जो है वो हमारा इरादा है कि 1 अगस्त जो है वो हम लोगों को ज़्यादा सूट कर रहा है तो उम्मीद है कि 1 अगस्त की हम लोगों को डेट मिल जाएगी और उसी दिन ज्योतिबा फुले जी का भी जन्मदिन है और उसी की आज मेन चर्चा हुई है कि किस तरह से करना है सारा प्रोग्राम और अगले 2-3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं तो उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है और आगे भी हम लोगों की BJP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट हैं ये लोगों से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक के उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है. लेकिन इतना तो तय है कि हम लोग NDA का भाग थे और NDA का भाग ही रहेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है वो बढ़ चढ़ कर NDA के जो भी हमारे साथी होंगे और हमारी पार्टी के जो भी साथी होंगे वो लोगों के लिए अगले चुनाव में काम करने का मन बना.